नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय फिटर विषय सिद्धांतिक के टॉपिक अम्बेवेल प्रोटेक्टर के बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जो अम्बेवेल प्रोटेक्टर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, किस मटेरियल का बना होता है, इसको कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में संपूर्ण जानकारी देंगे। अब हम बर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रहे हैं। ओके, बर्नियर होता क्या है, बर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर कैसे कार्य करता है। अब इसके साधारणता प्रोटेक्टर किसी भी कोण को 1 डिग्री की शुद्धता में मापता है। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में हम आपको वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर के बारे में बता रहे हैं, जिसे 1 डिग्री की शुद्धता में मापता है, लेकिन कुछ कार्यों में अधिक सूचना की हमें आवश्यकता पड़ती है, या आवश्यकता जब पड़ती है तो उसको चेक करना तो इसके लिए हम उस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे उसे वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर कहते हैं। इसे 1 डिग्री के 12वें हिस्से यानी कि 5 मिनट तक की सूक्ष्मता में मापी ली जा सकती है। ओके, इसी प्रकार से हम इसकी लंबाई, प्रायः ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, कैसे प्राप्त करेंगे, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे इसकी प्रायः अधिकतर जो है 150 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक होते हैं, जिसका एक सिरा 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री तथा दूसरा जो दूसरा भाग पार्ट होगा वो 45 डिग्री के कोण में बना होता है, 45 डिग्री के कोण पे बना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका अम्बेवेल प्रोटेक्टर का, वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में नेक्स्ट देखिए, आपको ये वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर जो है कौन सा ब्लेड है, ठीक है, इसका क्या मकसद होगा, ये देखिए प्रिंसिपल सिद्धांत, इसका क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जैसे वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर के दो अनुरूप स्केलों का अल्पत मांग के अंतर के आधार पर बनाया गया है, जिसमें देखिए एक इसमें मेन स्केल होगी, दूसरा हमारा वर्नियर स्केल होगा। जैसे ये कर्सर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेन स्केल हो गई इन डिग्रीज, मेन स्केल का एरो के माध्यम से दिखाया गया है। ये वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर में ये मेन स्केल होती है ये, इसके बाद नीचे साइड में जो दिखा रहा हूँ ये कर्सर के माध्यम से, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल में क्या है, देखिए 60, 30 and 0। अब इसके और राइट हैंड देखिएगा, इसके पर ये कर्सर के माध्यम से 30 and 60। इसी प्रकार से मेन स्केल में देखिए 20, 10, इसके बाद 0, फिर 10 and 20। ये आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, ये वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर जो है कौन से मटेरियल का बना होता है, ये देखिए निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर निकिल क्रोमियम स्टील का, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर ये देखिए, अब इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए, ये हो गया स्टॉक, जो ये देखिए कर्सर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये स्टॉक लिखा भी हुआ, एरो के माध्यम से बता रहे हैं कौन सा स्टॉक है, ये देखिए। अभी आपका सेकंड आ गया एडजस्टेबल ब्लेड, ये एडजस्टेबल ब्लेड होता है, कितने एंगल पे आपको एडजस्ट करना है, ये देखिए ये एडजस्टेबल ब्लेड है, ये कर्सर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। नेक्स्ट, अब ये देखिए एंगल की मैं बात कर रहा था ना, इसी वजह से ये जो एंगल एडजस्टेबल ब्लेड है ये एंगल को एडजस्ट करता है। देखिए ये 45 डिग्री, ये देखिए ये जहां पर कर्सर है देखिए 45 डिग्री के ये एंगल है, एंगल बता रहा है 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आपका 60 डिग्री, जिसमें मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में बताया था वर्नियर अम्बेवेल प्रोटेक्टर के बारे में कि एंगल होता है एक ब्लेड पे 45 डिग्री का और सेकेंड पॉइंट पे 60 डिग्री, वही चीज इसमें ये आपको दिखाई जा रही है डिटेल पे। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए डेल, अब डेल कौन सा है, कहाँ पे, कैसे होता है, ये देखिए ये मैं आपको कर्सर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एरो के माध्यम से लिखा हुआ है डेल,
ओके नेक्स्ट, ये देखिए मेन स्केल कौन सी होती है, जो मैंने आपको पिछले पॉइंट पे आपको बताया था कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल कौन सी है, कैसे कार्य करता है, ये देखिए इसमें आपको डिटेल से वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में दिखाया जा रहा है। इसको विशेष करके आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये कैसे कार्य करेगा, मेन स्केल कौन सी है इस पे। ये देखिए मेन स्केल है, ये कर्सर माध्यम से इसमें लिखा हुआ है मेन स्केल। ओके नेक्स्ट, अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास, अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जिसे मान लो छोटे वर्ड लिखे हुए हैं, छोटे शब्द लिखे हुए, तो इसको हमको देखने में दिक्कत हो रही थी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास को बड़ा बड़ा करके दिखता है, इसपे इसमें बड़ा दिखेगा। ओके छोटे छोटे मिलीमीटर में एमएम बने होते हैं खांचे, ये हमको दिखता नहीं है, अगर दूर से देखना है तो इसका मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें बड़ा दिखता है, स्पष्ट दिखता है। मैं आशा करता हूँ कि वर्नियर ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बता रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में भी आ रहा होगा और समझ भी लीजिएगा आप लोग। ओके नेक्स्ट, अब ये देखिए वर्नियर स्केल, ये जहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, ये देखिए ये होता है आपका वर्नियर स्केल। ये देखिए वर्नियर स्केल, एक कर्सर के माध्यम से देखिए, कर्सर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं ये चीज देखिए। ओके नेक्स्ट, अब ये देखिए डिस्क, अब ये डिस्क कौन सी है, ये देखिए ये मेन स्केल जो रोटेट कर रही है, ये डिस्क है, ये आपको रोटेट करना है, रोटेट करके पता चलेगा कहाँ पे 60, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 and 0, ये चीज आपको दिखा रहा है इस पे। ये डिस्क के माध्यम से आप एंगल को सेट कर सकते हैं ब्लेड। ओके नेक्स्ट, अभी लॉकिंग स्क्रू, जब आपको जिस एंगल की आवश्यकता होती उस एंगल में एडजस्ट करने के बाद पेवर प्रोटेक्टर को जब एडजस्ट कर लेंगे तो इसको लॉक कर देंगे कि ये इसका एंगल फिक्स रहे, इधर उधर चेंज ना हो। एंगल लॉकिंग डिवाइस क्या है, लॉकिंग स्क्रू जो है ये लॉक कर देगा, तो एंगल चेंज नहीं होगा। जो हमें एंगल हमने लिया है, जो एंगल की जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने सेट कर लिया, सेट करने के बाद हम क्या करते हैं लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देते हैं। अब ये इधर उधर मूव नहीं करेगा ना एडजस्ट होगा, जितना आपने फिक्स किया एंगल वही रहेगा एंगल। ओके नेक्स्ट, अब देखिए अल्पतमांक लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये चीज आप देखिए, ये लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के डिस्क पर डिग्री के निशान, डिग्री के निशान बने होते हैं जिस दोनों दिशाओं में, जैसे जीरो से लेकर 90 डिग्री और 90 से लेकर 0 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड में देखेंगे तो एक साइड होगा 0 से 90 और सेकेंड साइड होगा 90 से 0, तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मूवमेंट कर सकते हैं। ओके अब एक डिवीजन का मान 1 डिग्री होता है, जो आप मूवमेंट करेंगे तो जैसे एक डिवीजन उसका भाग होता है डिवीजन का, तो मूवमेंट करें तो उसका 1 डिग्री होता है। अब इसके बाद जो एक मेन स्केल होती है, मेन स्केल में क्या होता है 23 डिग्री वर्नियर स्केल के 12वें भाग के बराबर होता है। ओके ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट होती क्या है। ठीक है, अब दोनों ओर एक जीरो के दोनों ओर 12-12 निशान बने होते हैं, मतलब 12-12 निशान बने होते हैं, प्रत्येक तीसरे डिवीजन पर मिनटों के निशान बने होते हैं, मतलब मिनट के भी निशान होंगे और आपको डिग्री के भी होंगे। ओके फिर प्रत्येक तीसरे डिवीजन पर मिनटों के निशान बने होते हैं, इसके बाद 15, 30, 40 आदि अल्पतमांक निकालने के लिए निम्नलिखित मान अवश्य ध्यान में रखने चाहिए, मतलब कि आपको जैसे अल्पतमांक निकालना, लिस्ट काउंट निकालना, तो उसके कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बारे में आपको याद करके रखना है, आपको मालूम होना चाहिए, मालूम नहीं तो आज इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ओके 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट, अब देखिए अल्पतमांक निकालने की विधि, मतलब इसकी किस विधि से निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिएगा, अब ये हमारा 12 वर्नियर डिवीजन है, ये बोल दो 23 डिग्री, मतलब 23 डिग्री। अब एक वर्नियर डिवीजन बराबर, मैंने फार्मूला आपको बताया था, एक वर्नियर डिवीजन बराबर मतलब 23
जो वन ए डिवीजन है 23/12 डिग्री बराबर, अब इसको क्या करेंगे, देखिए 23 × 60 × 12, अब 60 हमारा मिनट हो गया, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो ये 115 मिनट मतलब 115 मिनट आएंगे, ओके। अब इसका अल्पतमांक होता है 0 to मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर डिवीजन, ठीक है। अब जैसे कोष्टक में लिखा हुआ है, नीचे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नीचे ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्योंकि एक वर्नियर डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा हो, उन्हें कह रहा है दो मेन डिवीजन लेंगे, कैसे लेंगे। अब देखिए अल्पतमांक बराबर 0 to 60 माइनस जो हमने 115 मिनट निकाला है वो माइनस इसमें कर देंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 120 माइनस 115 माइनस करेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 मिनट आ गया, ठीक है। ये देखिए ये मेन स्केल, ये देखिए मेन स्केल में 23 मेन स्केल ये दिखाया गया कर्सर के माध्यम से, मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद अब इसका 1/12 भाग, ये देखिए कर्सर के माध्यम, देखिए कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये देखिए कहाँ से लिया गया है पार्ट, देखिए ओके नेक्स्ट। अब रीडिंग लेना, आप रीडिंग कैसे लेंगे, ठीक है, अब रीडिंग कैसे लेंगे, ये देखिए वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर से रीडिंग लेते समय, मतलब ये जो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर है इसको रीडिंग लेते समय आपको ध्यान रखना है कि मेन स्केल और उसके बाद वर्नियर स्केल का मान कैसे लेंगे। जैसे 20 डिग्री 15 मिनट लेना है तो कैसे लेंगे, देखिए ये चीज दिखाई गई रीडिंग, ये पहले 20 डिग्री मेन स्केल में लेंगे, ये देखिए मेन स्केल में कर्सर के माध्यम दिखा रहा हूं, ये मेन स्केल है, मेन स्केल ये यहां से लेंगे, इसके उसके बाद अब 15 मिनट वर्नियर स्केल में लेंगे, ये देखिए ये कर्सर के माध्यम दिखा रहा हूं काउंट कहां से 15 लेंगे, ये देखिए तो ये 20 डिग्री एंड 15 मिनट हो गया। अभी नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार पढ़ के भी बता दे रहा हूं। देखिए जब मेन स्केल क्लॉकवाइज दिशा में लेते हैं तो वर्नियर स्केल को भी क्लॉकवाइज दिशा में भी पढ़ना चाहिए, मतलब अगर मेन स्केल क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपको वर्नियर स्केल को भी क्लॉकवाइज ही लेकर उसको पढ़ना है, क्लॉकवाइज, अगर मेन स्केल को क्लॉकवाइज, समझ लीजिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर मेन स्केल को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो आपको वर्नियर स्केल को भी मेन क्लॉकवाइज घुमाते हुए उसको क्लॉकवाइज ही पढ़ना है, ओके। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, जब मेन स्केल एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उसका जस्ट अपोजिट हो जाए, क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लेते हैं तो वर्नियर स्केल को भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लेना है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा, ओके। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज मेन स्केल भी लेना है और मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों एक ही डायरेक्शन में ली जाएंगी, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, ओके नेक्स्ट। अब ये आया, ये देखिए आपको रीडिंग लेते हुए ये दिखाया जा रहा है क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है, ये देखिए कर्सर को ध्यान दीजिएगा, ये देखिए रोटेट कर रहा है, ये देखिए वर्नियर पेवल प्रोटेक्टर पर, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे, आप इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी लेना हो जब इसको अपोजिट रोटेट करेगा, ओके। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके नेक्स्ट। ये देखिए ये देखिए ये स्केल हो गई, ये देखिए रीडर में आपको पॉइंट दिखा रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए कैसे सेट करते हैं और कैसे रीडिंग लेते हैं, एंगल कैसे सेट करेंगे, देखिए देखिए आप लोगों को मैं ये डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए ये देखिए फिर एंगल सेटिंग, ये देखिए ओके नेक्स्ट। ये देखिए ये मेन स्केल, ये देखिए एंगल सेट हुआ, अब इसके बाद लॉक कर दिया, ओके नेक्स्ट। अब इसके कुछ सावधानियां होती हैं, अब सावधानियां में क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना है
कि हमको कैसे यूज करना है, कैसे सरफेस हमें चाहिए, कैसे, तो इसमें क्या होता है, इसको सबसे पहले कटिंग टूल, जैसे मान लो कि स्क्रैच जिससे लग सकता है, उन टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना है किसी भी दुर्दरे, मतलब कि जिससे स्क्रैच, जिससे हमारे वर्नियर प्रोटेक्टर में स्क्रैच आ सके, ऐसे जगह आपको नहीं रखना है, ना ऐसे टूलों के साथ ऐसे बॉक्स में भी नहीं रखना है। नीट एंड क्लीन, मतलब साफ सुथरी जगह में रखना और चिकने। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, वर्नियर ड्यूल प्रोटेक्टर को रफ, मतलब वही चीज मैं बोल रहा हूँ, देखिए पिछले पॉइंट में बोला, अभी आगे पॉइंट, वो सरफेस, मतलब सरफेस इसकी दुर्दरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर स्क्रैच पड़ जाएगा तो उसके पॉइंट हमारे वो डायमीटर लेने में हमें दिक्कत होगी, डायमेंशन उसको पढ़ने में नहीं आएगी। ओके, अब रीडिंग लेते समय आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करना चाहिए, रीडिंग लेते वक्त समय हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेन स्केल में क्या होता है, छोटे छोटे खांचे होते हैं, जैसे एमएम में लिखा होता है, तो वो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे, मैग्नीफाइंग प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, उसमें बड़ी डिजिट हमें दिखाई देगी, बड़ी डिजिट जब दिखाई देगी तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्नियर प्योर प्रोटेक्टर को कार के बाद उसे पहले अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अब यही चीज ध्यान रखिए, इसी रीजन से मैं बता रहा था बीन पूरे वर्नियर प्योर प्रोटेक्टर में क्या क्या इसकी सावधानियां है, इसको विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पर विशेष करके कि इसको साफ सुथरा अच्छी तरह नीट एंड क्लीन जगह रखना चाहिए, इसको कॉटन या कपड़े से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इमरी पेपर मिल गया तो इमरी पेपर से साफ कर दे, नहीं, इससे स्क्रेच पड़ जाएंगे, उसकी डायमेंशन खराब हो सकती है, ठीक है, इसकी इस तरीके से आपको इसकी ये सावधानियां होंगे, और बड़े सावधानी के साथ केयर इसका जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में रखेंगे। ओके, रखने के बाद वो ऐसा नहीं कि आपको इसका ब्लेड तिरछा रख दिया, वो अगर ब्लेड भी अगर तिरछा हो गए ट्रिलिंग, तो हमें ये सरफेस एंगल सेट करना है, एंगल सेट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। ओके, नेक्स्ट, अब मैं आशा करता हूं कि आपको इस पॉइंट पर जो मैंने वर्नियर ड्यूल प्रोटेक्टर आपको बताया, इसकी संपूर्ण जानकारी दी, तो इस पे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इस पे क्या होगा कि कैसे मैंने कार बताया आपको, किस मटेरियल का है, किस तरीके से मैंने आपको अच्छी तरह से जो चीज बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, धन्यवाद, थैंक्स। सर आ जाए जल्दी, हो गया था, हो गया था, हाँ टाइम बाकी था, सर कहाँ गए, बंद कर दिया।